हाँ हेलो अलीना, अलीना नहीं ज़कूटा जिन, और तुम्हारी बेटियाँ मेरे कब्जे में हैं। ओए तू जिन है ना, तो मैं जिन्नों की सिपहन हूँ, थानेदार नहीं हूँ। तेरा मैं वो हशर करूंगी ना, चपेड़े मार मार के, छत्तर मार मार के, कि तुझे सांस ही नहीं आएगा। अच्छा अच्छा बस बस बस, ज्यादा एक्सट्रीम पे जाने की जरूरत नहीं है, रिलैक्स। तो भी बकवास बंद कर जिन के बच्चे, ये बता मेरी अलीना कहाँ है। एक मिनट मम्मी से बात करूं। ओह यस हेलो मॉम। कैसी तुम? इतने किसी ने कुछ कहा तो नहीं तुझे? कैसी रही मिरानी जी? आप प्लीज जल्दी आ जाइए मॉम, मैं बहुत डर लग रहा है। जोया कहाँ है? तुम्हारी दोनों की दोनों बच्चियां मेरे पास हैं, इसलिए शराफत से 20 लाख रुपए लेकर मेरे बताए हुए पते पे आ जाओ। ओए जिन के बच्चे, जरा कॉमन सेंस तो इस्तेमाल करना। ये बता तेरे प्यो का बैंक इस वक्त खुला होगा 3 लाख रुपए। 3 लाख रुपया? ओ माय गॉड, 3 मिलियन ना, बट टू मच मनी। ट्री पे थोड़ी ना लगते पैसे। तुम करते हो हॉलीवुड मुकर जाने आज से, नहीं तो तुम्हारी दोनों बेटियों की लाशें बोरी में बंद करके गंदे नाले के बाहर फेंक दूंगा, वहां से पिक कर लेना। अच्छा प्लीज स्टॉप जेल, मैं कुछ करती हूँ। एड्रेस भेज रहा हूँ, पैसे भिजवा देना। थैंक यू वेरी मच। हाँ, लोकेशन भेजो। टेंशन मत लो, बहुत जल्दी तुम लोगों को लेने के लिए वो लोग आ रहे हैं। थैंक यू आशिक अंकल। अरे छोटी चेती कर, इंतजाम कर 3 लाख रुपए दा, नहीं तो बच्चिया दी लाशें आएंगी जली हुई। बोलता है ना तेरे मुंह से गोबर गिरता है। मैं अपनी अलीजा को कुछ नहीं होने दूंगी, ये एक पाक का वादा है। और एक आशिक का भी। अलीना और जोया को मैं लेकर आऊंगा, नहीं होगा उन्हें। और गल छोड़ो है, और तेरे कोल केड़ी गीदड़ से की है जे तू काट के ले आएगा कुड़िया नू। भाई अगर आपके पास कोई इसका हल है तो आप बता दीजिए। तकड़दम 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 दम दम। नहीं नहीं मास्टर जी, मैं तो गरीब बंदा वा, 30-35 हज़ार रुपए होने मेरे कोल बस। फुकरा। देखिए वो रेहान साहब है ना, बहुत मानते हैं मुझे, बहुत अमीर आदमी है, मैं उनसे बात कर लूंगा, कुछ ना कुछ हो जाएगा। उन दोनों को मैं लेकर आऊंगा सही सलामत, ये वादा करता हूं मैं।